हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज के ब्लॉग पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, राइड स्टार्ट किए सत्य विहार से और निकले के यहाँ तक खंडागिरी के लिए। आज लॉकडाउन का सेकेंड है, सुबह सुबह का राइड है। हम लोग पूरा ओवरब्रिज के ऊपर से होके खंडागिरी तक जाएंगे। खंडागिरी में सुनने को मिला है कि वो वाला ओवरब्रिज भी ओपन हो गया है, तो वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर थोड़ा सा व्यू लेंगे और वहाँ पर थोड़ा शॉट लेंगे। तो चलिए हम लोग अपना राइड शुरू करते हैं। अब हम लोग रसूलगढ़ पड़ासुनी से जो स्टार्ट होता है ओवर भी पड़ासुनी से रसूलगढ़ के ऊपर होके पानी विहार के लिए वो वाला ओवर ब्रिज पढ़ के जा रहे हैं। अब टाइम हुआ है करीबन 6:30 बजे। पर लोगों का भीड़ तो पता नहीं चल रहा है अभी सुबह के टाइम पे, पर अर्ली मॉर्निंग जितने लोगों का भी जो काम है बाइक में वो लोग सारा कर ले रहे हैं। लॉकडाउन का ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में बताया गया था कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दुकान खुले रहेंगे, उसके हिसाब से आप जो भी मार्केटिंग करना है कर सकते हैं। तो लोगों का जो काम है जो भी है वो सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग भी जो भी कहीं दूर जाना होता है तो वो चले जाते हैं, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग सुबह भी थोड़े बाइक नज़र आ रहे हैं। ये रसूलगढ़ के ओवरब्रिज के ऊपर का व्यू है, आप देख सकते हो सामने भी पूरा, अगर नीचे आप देख पा रहे हो। तो नीचे भी पुलिस का बैरिकेड लगा के खड़े हुए हैं और उस साइड से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब बांस का लकड़ी सब डाला हुआ है ताकि सारे रास्ते को बंद कर दिया जाए। ये पूरा लॉकडाउन का असर चल रहा है। अभी अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे, इसलिए थोड़ा मार्केट खुले हैं ताकि लोग अपने लिए कुछ वेजिटेबल ग्रोसरी ले सकें। ये हम लोग का बाणी विहार का स्टेशन का है और बाणी विहार स्टेशन में इस तरह से नाकाबंदी कर दिया गया, आप देख सकते हो। चारों तरफ बैरिकेड ही बैरिकेड डाला हुआ है। ये हमारे आचार्य विहार का छक है। आचार्य विहार में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों पूरा खाली खाली है और बैरिकेड हर जगह पे लगा हुआ है। अभी मैं आचार्य विहार क्रॉस कर चुका हूँ। आचार्य विहार क्रॉस करके जयदेव विहार की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली आज का साइकिल राइड ऐसा हो गया कि मैंने शुरुआत किया सत्य विहार से, सत्यविहार से टिल खंडागिरी तक हम जाएंगे और सारा जो भी जाएंगे वो सारा कुछ ओवरब्रिज के ऊपर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सुनने को मिला है कि अभी खंडागिरी का ओवरब्रिज भी खुल गया है, तो साइकिल राइड करने का मकसद भी ये है कि तो हम खंडागिरी ओवरब्रिज के ऊपर जाके थोड़ा वीडियो कर लेंगे। ये हम लोग का जयदेव विहार छक के ऊपर से ओवरब्रिज के ऊपर से उसका लुक है। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये हम लोग नयापल्ली ओवरब्रिज के ऊपर से, और नयापल्ली ओवरब्रिज के ऊपर से ये नयापल्ली का बिग बाजार। ये पेट्रोल पंप सुबह सुबह खोला है पर कस्टमर कोई नहीं है, पुलिस वाले को छोड़ के। और ये हम लोग का रास्ता।
ये हम लोग का फायर स्टेशन वाला चौक है। फायर स्टेशन चौक में देखिए किस तरह से चेकिंग हो रहा है, और लोगों को वालों को पूछ रहे, गाड़ी वाले जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें पूछा पूछी पूछताछ चल रही है। और ये देख सकते हैं फायर स्टेशन का हम लोग का, ये देख सकते हैं हम लोग का फायर स्टेशन किस तरह से ऊपर से व्यू होता है, इस तरह से दिखता है। अब हम लोग करीबन बरमुंडा तक पहुंच गए हैं, बरमुंडा से उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है खंडागिरी। थोड़ा चलते हैं, बैटरी भी डाउन हो रहा है तो उससे पहले जाके थोड़ा शूट कर लेते हैं, क्योंकि खंडागिरी से हमें रिटर्न करना पड़ेगा टूअर्ड सुंदरगढ़ की तरफ, और टाइम अभी बहुत कम है, 8 बजे से पहले घर पहुँच जाना पड़ेगा। चलिए ना इसमें, और चलिए अभी बरमुंडा ओवरब्रिज को ऊपर मिलते हैं फिर खंडागिरी पे। बरमुंडा ओवरब्रिज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और पहली बार मैं इतना शांत ओवरब्रिज देख रहा हूँ बरमुंडा में, क्योंकि बरमुंडा में हर टाइम गाड़ी लगे रहते हैं, बस लगे रहते हैं, और सबसे ज़्यादा भीड़ बरमुंडे में होते हैं। ये है हमारा बरमुंडा ओवरब्रिज के नीचे का व्यू, और नीचे देखिए कितना खाली है, कितना खाली है, जो कि यहाँ पे लोग चढ़ने के लिए भी जगह बचा नहीं रहता है, आज इतना खाली है। और यहाँ से इसीलिए खंडगिरी और भी स्टार्ट हो गया है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा नया नया कलर भी लगा दिए हूँ व्हाइट कलर का रास्ते पे। यहाँ से इसका ओवरव्यू स्टार्ट हो रहा है, सेकंड साइड में खंडगिरी का पहाड़, और ये शुरू हो गया खंडगिरी का ओवरब्रिज। ये ब्रिज का एक खासियत ये है कि ये ब्रिज के कारण भुवनेश्वर से सबसे ज़्यादा भीड़ जो कि खंडगिरी में हो रहा था अब सबसे कम होने वाला है। ये खंडगिरी ओवरब्रिज के ऊपर का ओवरव्यू आप देख सकते हैं, उस तरह से पुलिस खड़े हुए हो और वो सारे ट्रैफिक चेकिंग कर रहे हैं, लॉकडाउन का चेक कर रहे हैं कि इस तरह से है, और ये है पुलिस स्टेशन। हम लोग अभी पूरा खंडगिरी के ओवरब्रिज के ऊपर खड़े हैं, और खंडगिरी ओवरब्रिज का ये खासियत है कि ये सब भुवनेश्वर में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम करता था, जो इसके खुलने के बाद बहुत सारे ट्रैफिक खुल गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप कटक से खोर्धा तक आ रहे हैं तो और आपको कहीं नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा ओवरब्रिज के ऊपर से आएंगे और खोर्धा पहुंचेंगे बहुत ही जल्दी। बस एक जगह पे आपको एक ओवरब्रिज की ज़रूरत है, वो कि हंसपाल छक के पास, मुझे लगता है वहाँ पर भी बहुत जल्दी ओवरब्रिज होने वाला है, क्योंकि वो भी बहुत भीड़ वाला जगह है। तो चलिए आज के लिए ब्लॉग के लिए हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थोड़ा सा राइड था फ्रॉम रसूलगढ़ का ओवरब्रिज टू खंडगिरी ओवरब्रिज, जो कि भुवनेश्वर स्टार्टिंग उसे बोल सकते हैं, और ये पे भुवनेश्वर का एंडिंग बोल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।